नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती ने आपनी साथे हूं छु प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करिए महत्वना समाचार थी। बात करिए आज कैबिनेट की बैठक मळवानी छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक मळशे, जेमां बजेट, जन सुविधा, ई मॉड्यूल अमल अंगे चर्चा करवामां आवशे। तो आज कैबिनेट की बैठक मळवानी छे, त्यारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज आ बैठक मळशे, जेमां जन सुविधा, ई मॉड्यूल अमल अंगे चर्चा करवामां आवशे। बजेट अंगे पण आ कैबिनेट बैठक में चर्चा करवामां आवशे। गांधीनगर खाते आज कैबिनेट की बैठक मळवानी छे। विगत मेळवी स्वतंत्रता मयूर अमारी साथे जोडाई गया छे। मयूर, आज सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मळशे, शुं जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक मळशे। राज्य महत्वना जे प्रोजेक्टो छे ते अंगे चर्चा करवामां आवशे। साथे ज मुख्यमंत्री द्वारा डिजिटलाइजेशन सरकार कॉन्सेप्ट उपर फोकस करवामां आवेलू छे। तो ए प्रोजेक्ट गतिमान थाय अने हरेक विभागनी अंदर जे फेसलेस सिस्टम छे ते उभी थाय ते प्रकारनो प्रयास जे छे ते ई गवर्नन्स द्वारा करवामां आवी रहेलो छे, अने तेने वधु वेग मळे ते माटे पण मुख्यमंत्री द्वारा आ बैठकनी अंदर चर्चा करवामां आवशे। ते उपरांत जो वात करवामां आवे तो राज्यमां वर्तमान कोरोनानी स्थिति अने कायदो व्यवस्थानी स्थिति अंगे पण समीक्षा करवामां आवशे। अने साथे ज जो वात करे तो G20 जे सम्मेलन थई रहेलू छे, तो तेनी अंदर गुजरातना पण अलग अलग स्थळोनी पसंदगी थई रहेल छे, तो तेनी अंदर केवा प्रकारनी तैयारीओ छे ते समीक्षा कराशे। अने महत्वनुं जे छे ते आगामी वर्षनुं जे आ बजेट तैयार करी रहेलू छे राज्य सरकारनुं नाणा विभाग, तो तेनी अंदर जुदा जुदा विभागनी बैठको केवा प्रकारनी चाली रहेली छे अने जुदा जुदा विभाग पोतानुं बजेट अने योजनाओ केवा प्रकारनी तैयार करी रहेला छे ते अंगेनी पण समीक्षा करवामां आवशे। बिल्कुल मयूर, आभार आपनो जानकारी माटे। तो सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट की बैठक, बजेट, जन सुविधा ने ई मॉड्यूल अंगे आज की बैठक में चर्चा करवामां आवशे। महत्वना समाचार, बोटाद थी रत्न कलाकारे जेरी दवा पीने जीवन टूंकाव्यु। व्याजना विश्वचक्र में रत्न कलाकारे जीव गुमाव्यु छे। महिला सहित चार व्याजखोरो करता हता परेशान। रूपिया भरिया होवा छता वधु रूपियानी उखराणी करता मृतकना पत्नीए महिला सहित चार सामे फरियाद नोंधावी छे। व्याजखोरोने पकड़वा पोलीसे चक्रो गतिमान कर्या छे। तो बोटादथी आ घटना छे, जेमां रूपिया भर्या होवा छतां वधु रूपियानी मांग करवामां आवी हती, जेने कारणे तेमणे आपघात कर्यो छे। प्रकाश सोलंकी संवाददाता जोड़ाई गया छे, प्रकाश पासेथी माहिती मेळवीए। प्रकाश, जे प्रकारे वात करी व्याजखोरोनी, वधु एक घटना सामे आवी छे बोटादथी, शुं जानकारी छे आ विशे? जी चोक्कस प्रीति, जो बात करवामां आवे तो जे प्रमाणे सतत गुजरात में व्याजखोरोनो त्रास वधी रह्यो छे, अनेक लोको आत्महत्या करी रह्या छे, त्यारे बोटाद शहर में पण आवी घटना आवी छे के एक रत्न कलाकार छे जेने चार एक महिला सहित कुल चार शख्सो पासेथी व्याजे ना रूपिया लीधा हता, अने जे व्याज जेनू के पैसा भरतो हतो, परंतु व्याजखोरो द्वारा सतत तेने दबाण करवामां आवतुं हतुं, जेना कारणे जे आ रत्न कलाकार छे जेनुं नाम छे अशोकભાઈ રાઠોડ નામ છે, તેને ગઈકાલે ઝેરી દવા પી લીધી હતી અને સારવાર માટે તેને ભાવનગર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજ્યું છે। પોલીસે કુલ ચાર આરોપી છે, જેમાં છે દક્ષાબેન રપારી, જીતુભાઈ રજપૂત, ગોવિંદભાઈ ડાગસ અને ટીનાભાઈ બોળિયા, આ ચાર શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે, અને આ જે આરોપીઓ છે તેની વહેલી તકે ઝડપી લેવામાં આવે તે પ્રકારની કામગીરી હાલ અત્યારે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। બિલકુલ પ્રકાશ, આભાર આપનો જાણકારી।